हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम जीएसटी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर 92 जो कि 7 मार्च 2019 को इशू हुआ। दोस्तों इस सर्कुलर से डिपार्टमेंट ने सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के जीएसटी ट्रीटमेंट के बारे में बताया। सेल्स प्रमोशन स्कीम्स जब से जीएसटी आया है तब से बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम फोरसी करते थे, विजुलाइज करते थे। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर के माध्यम से उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। 4 तरीके के सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को विजुलाइज किया है। पहला है फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स अगर आप देते हैं, दूसरा है अगर आप 1+1 देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री देते हैं तो क्या होगा, तीसरा है बाय मोर सेव मोर, आप वॉल्यूम डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट वैल्यू डिस्काउंट ज्यादा देते हैं, और चौथा है सेकेंडरी डिस्काउंट जो कि आप अदरवाइज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देते हैं। चारों सिचुएशंस को विजुलाइज किया है और उसकी ट्रीटमेंट बताई है। सबसे पहले फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड पर्संस जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ड्रग्स को फ्री सैंपल्स के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कंपनीज को केमिस्ट को देते हैं। अब ये जो फ्री सैंपल्स हैं क्योंकि इनकी कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई क्विड प्रो क्यू नहीं है, तो सेक्शन 7 के अनुसार ये सप्लाई नहीं है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि ये जो सप्लाई है वो रिलेटेड पर्संस को शेड्यूल 1 को हो। तो अगर शेड्यूल 1 की आइटम्स की होंगी, पर्संस को होंगी, तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई बन जाती है। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो अब क्वेश्चन अगला आता है कि क्या इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या रिवर्स होगा। तब उन्होंने उसका रेफरेंस दिया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच का। उन्होंने कहा गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, अगर ऐसा होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन ये है कि जो फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स आपने दिए हैं उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा सेक्शन 17(5) क्लॉज एच के अनुसार, लेकिन वो गुड्स जिनमें आप डील करते हैं, ना कि वो गुड्स जो आपने एज गिफ्ट्स बाहर से प्रोक्योर किए और गिफ्ट के तौर पर दे दिए एज बिजनेस प्रमोशन सेल्स प्रमोशन। उसके बाद दूसरी स्कीम जो विजुलाइज की गई है वो है बाय 1 गेट 1 फ्री। अपेरेंटली सर्कुलर कहता है कि अपेरेंटली देखने में लगता है कि भाई ये जो है एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, ये 2 या 2 से अधिक सप्लाईज हैं फॉर अ सिंगल प्राइस। डिपार्टमेंट ने विजुलाइज किया है कि इसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो सेक्शन 8 के अनुसार होगी। सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करता है। उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 या 2 से अधिक सप्लाईज हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, एक के साथ एक सेम प्रोडक्ट या एक के साथ दूसरे 2 प्रोडक्ट्स अदरवाइज कोई और, ये कंपोजिट सप्लाई होगी या मिक्स सप्लाई होगी। अगर कंपोजिट होगी तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, मिक्स्ड होगी तो हाईएस्ट रेट लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी प्रोडक्ट्स का, इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का मिलेगा। उसके बाद बाय मोर सेव मोर, 2 एग्जांपल्स विजुलाइज किए डिपार्टमेंट ने, सीबीआईसी ने। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 5,000 रुपए तक का सामान खरीदते हैं तो 10% डिस्काउंट देते हैं, मार्केट में स्कीम है। आप 10,000 का सामान खरीदते हैं तो 20%, 20,000 का सामान खरीदते हैं तो 30% वॉल्यूम डिस्काउंट, पीरियोडिक डिस्काउंट, ईयर एंडिंग डिस्काउंट। आप अगर मान लीजिए 10,000 आइटमें खरीदते हैं तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, 20,000 आइटमें खरीदते हैं तो 2% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये जो है वो ईयर एंड डिस्काउंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 5-10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट या 30% का डिस्काउंट देते हैं तो वो इनवॉइस पर दे देते हैं। आप आइटम वाइज वॉल्यूम डिस्काउंट ईयर एंड डिस्काउंट देते हैं तो वो भी एट द टाइम और बिफोर सप्लाई इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट आपका पहले से डिसाइडेड होता है कि ये डिस्काउंट दिया जाना है, हालांकि उसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो ईयर एंड पे होती है। ये सब बातें सर्कुलर ने विजुलाइज की। उन्होंने कहा उस केस में हम ये मानेंगे कि दीज डिस्काउंट्स आर इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट। अगर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज बी की कंडीशंस पूरी हो जाए, मतलब रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना है, कर देगा, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से इस तरह के डिस्काउंट को रिमूव कर दिया जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू पर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन इनपुट जो है अगर सामने वाले ने रिवर्स किया है तो
आईटीसी आपका अवेलेबल है इनपुट पर, इनपुट सर्विसेज पर, कैपिटल गुड्स पर. इनपुट मतलब मटेरियल पर, इनपुट सर्विसेज पर, कैपिटल गुड्स पर. चौथी तरह की स्कीम है सेकेंडरी डिस्काउंट. ये वो डिस्काउंट होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता होते, पोस्ट सप्लाई दिए जाते हैं. तो उन्होंने कहा भी देखिए इस केस में आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं विदाउट हैविंग टैक्स इंपैक्ट, और कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू कर दें, टैक्स इंपैक्ट नहीं लेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशंस मेट नहीं है, आईटीसी का रिवर्सल नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा. दोस्तों ये सर्कुलर था 92 जो 7 मार्च को इशू हुआ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर. हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.